हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में आपका स्वागत है। यार देखो, आज हम जो है ना कंपेरिजन करने वाले हैं वो है बिल्कुल डिफरेंट। मतलब हमारे पास जो है दो रेडमी के फोन है और साथ में एक रियलमी का फोन है। रेडमी के दो फोन जो है यहाँ पे, एक फोन इंडिया में लॉन्च चुका है जो कि है रेडमी का नोट 8 प्रो, और रेडमी के 30 अभी तक इंडिया में जो है लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन लॉन्च होने की उम्मीद है। लगभग एक या दो महीने के अंदर जो है जरूर से लॉन्च हो जाएगा अपने इंडिया में। और बता दो, साथ में अवेलेबल हमारे पास रियलमी का X2 जो कि इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब इंडियन फोन अवेलेबल हमारे पास दो फोन, और इंडिया में आने वाला है एक फोन जो कि है Redmi K30, वो ऑलमोस्ट एक दो महीने में आ जाएगा। तो हम जो है इन तीनों ही फोन में जो है एक कंपैरिजन करने वाले हैं। हम कंपैरिजन करेंगे तीनों ही फोन में स्पीड कंपैरिजन। मतलब यार ये तीनों ही फोन जो है एक दूसरे को बीट कर सकते हैं। जहां पे आपको बता दूं, Redmi के Note 8 Pro में यूज किया गया है हेलियो का G90T चिपसेट जो कि है MediaTek का, और साथ में जो यहां पे Realme का X2 है और Redmi का K30 है, इन दोनों ही फोन में जो है Snapdragon 730G जो है यूज किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही फोन जो है एक दूसरे को बीट कर सकते हैं, क्योंकि चिपसेट परफॉर्मेंस जो है तीनों ही का ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो कर लेते हैं इन तीनों ही फोन में कंपैरिजन और देखते हैं कि कौन सा फोन जो है विनर रहेगा। तो देखो, हम यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं इन तीनों ही फोन में। दो पैटर्न से कंपैरिजन करेंगे, जो कि होगा सबसे पहले यहाँ पे हम डाउनलोडिंग स्पीड चेक करेंगे। हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन को डिलीट करेंगे और दूसरे जो है डाउनलोड करेंगे, और देखेंगे कि कौन सा फोन जो है पहले अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता है और विनर बन जाता है। फिर सेकेंड प्रोसेस जो हमारा हो जाता है स्पीड कंपैरिजन, वो देखते हैं कौन सा फोन विनर रहता है, दोनों में क्या कौन सा सेम फोन विनर रहता है या फिर अलग अलग, देखने ये हमें बाकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं तीनों ही फोन के बेंचमार्क स्कोर। तो आपके सामने ये है तीनों ही फोन के बेंचमार्क स्कोर, ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब जो है 240,000 प्लस ही सब में जो है बेंचमार्क स्कोर है। मतलब तीनों ही फोन जो है बेस्ट ऑप्शन है अपनी अपनी जगह पर। तो करते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड चेक करके, देखते हैं कौन सा फोन विनर रहता है। तो हमने यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड करके चेक किया इन तीनों ही फोन का यहाँ पे स्पीड, और देखते हैं कि यार यहाँ पे हमने देखा कि Realme X2 जो है विनर रह जाता है और Redmi K30 जो सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पे Realme X2 Redmi K30 ने ऑलमोस्ट सिमिलर सा टाइम लिया है। मतलब एक या दो सेकंड का हम जो है फर्क बोल सकते हैं, जो कि थर्ड नंबर पे आता है। फिर वो रहता है यहाँ पर Redmi का Note 8 Pro। मतलब उसने स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे डाउनलोडिंग करना चालू किया था, पता नहीं ऐसा क्यों। मतलब जो ऑप्टिमाइजेशन है डाउनलोडिंग का, वो बेस्ट है Realme X2 और Redmi का K30 के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पीड कंपैरिजन की तरफ। मतलब यहाँ पे डिस्प्ले पे अवेलेबल है हमारे पास 12 एप्लीकेशन, जिसको हम करने वाले हैं वन बाय वन ओपन, और देखते हैं कौन सा फोन जो है पहले अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लेता है। मतलब जो है कौन सा फोन मिले रहता है, देखते हैं हम इस वीडियो में।
तो यार हमने यहाँ पर तीनों ही फोन में स्पीड कंपेरिजन किया, वन बाय वन एप्लीकेशन को ओपन किया और हमने देखा कि यार यहाँ पर रेडमी जो नोट 8 प्रो है वो अपनी बैकग्राउंड एप्लीकेशन को क्लोज कर रहा है। ये हमने पहली बार नहीं देखा है, ये हम जो है बहुत बार देख चुके हैं। मतलब रियलमी X2 के साथ हमने रेडमी नोट 8 प्रो कंपेरिजन किया था तो वहाँ पर हमने देखा था रेडमी नोट 8 प्रो ने बहुत सारी एप्लीकेशन क्लोज की थी। उसी तरीके से जो है आज भी इसने रेडमी नोट 8 प्रो ने जो है एप्लीकेशन को क्लोज कर दी बैकग्राउंड एप्लीकेशन को। इसका मतलब ये है कि रेडमी नोट 8 प्रो आता है थर्ड नंबर पर। अब यहाँ पर कंपैरिजन ये है कि दोनों ही फोन में जो है 730G चिपसेट यूज किया गया है जो कि है रियलमी X2 रेडमी K30। यहाँ पर परफॉर्मेंस देखना ये है कि रेडमी K30 जो है विनर रहता है, रियलमी X2 जो है सेकंड नंबर पे आता है। बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि डाउनलोडिंग स्पीड में 1-2 सेकंड का फर्क आया था उसी तरीके से इसमें जो फर्क आया है वो है ऑलमोस्ट 5-6 सेकंड का। तो बस यार ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, साथ में शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा जो है फोन फेवरेट है इन तीनों में से, या कोई आप फोन जो है लेने की सोच रहे हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता देना। सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।